गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूँ सीमा लक्ष्मी गार्डन से। मेरा सुबह का नमस्कार। आज हमारे वीडियो का एक बहुत ही स्पेशल वीडियो है, जो हमारे कमेंट आते हैं हमारे पास, क्वेश्चन आते हैं कि हमारे जो गुलाब होते हैं, जो हमारे गुलाब हैं गर्मियों के सीज़न में सब जल जाते हैं, लीफ जल जाती हैं, तो क्या करें हम। तो हम उसी पे आज वीडियो बनाने जा रहे हैं कि आपकी आप गुलाब की देख रेख कैसे करें। हमारे बहुत सारे वीडियोज़ बने हैं गुलाब के प्लांट पर, तो आप देखें हमारे गुलाब जो हैं बिल्कुल हेल्दी गुलाब हैं। आप देखिए, कोई भी जो हमारे लीव्स हैं कोई भी जली नहीं है, और बढ़िया फ्लावरिंग भी कर रहे हैं, और ज़्यादा मात्रा में फ्लावरिंग कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक आध फ्लावर लगा हो। तो हमारे 4-5 गुलाब मैंने रखे हैं। हमारे गार्डन में बहुत सारे गुलाब हैं, तो एक साथ तो मैं नहीं ला सकती हूँ, लेकिन जो गुलाब मैं आपको दिखा रही हूँ बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही बढ़िया गुलाब हमारे हैं। आप देख रहे हैं रिजल्ट इसका, और आपके आप लीव दे रहे हैं, कोई भी लीव बर्न नहीं हुई कोई भी, और परमानेंट हमारे गुलाब जो हैं रखे रहते हैं। धूप में बिल्कुल हम शेड में नहीं रखते, क्योंकि इतने ज़्यादा हमारे पास प्लांट हैं, तो हम या तो शेड ऊपर डलवाते हैं या फिर कहाँ ले जाते हैं। तो बहुत सारे इंडोर प्लांट हमारे पास हैं, तो उनको हमको शेड में रखना होता है। अगर जो गुलाब है, गुड़हल है, इनको मैं अंदर रखूँगी, कहाँ रखूँ, तो इसी वजह से हमारे हर समय धूप में रहते हैं। लेकिन उनके लिए अगर जो धूप ज़्यादा हमारे पौधों में लग रही है, तो उनके लिए पहले से ही आपको प्रिपेयर होना पड़ता है कि किस तरीके से आप अपने गुलाब के गमले को आप सही रखेंगे। आप अपने गुलाब के गमले में जो मिट्टी है, और जो आपकी गमले का जो खाद क्या देती हैं, कैसे क्या, तो इस तरीके से आप अपने गुलाब को हेल्दी रख सकती हैं। तो मैं आज हमारा इसी वीडियो है कि किस तरह आप अपने गुलाब को हेल्दी बनाएं। और अगर जो मेरा वीडियो आपको पसंद आता है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को आगे बढ़ाते हुए, सब्सक्राइब बढ़ाते हुए, आगे हमारे लिंक को शेयर करते हुए हमारे वीडियो देखिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा किस तरीके से हमारे गुलाब हैं। तो अपना वीडियो में दिखाती हूँ। पहली बात तो ये बात होती है कि आपका जब गुलाब आप गुलाब शेडी एरिया में, नर्सरी वाले तो शेडी एरिया में रखते हैं, उनके फ्लावरिंग बहुत बढ़िया आपको दिखती है। लेकिन हमारे जो गुलाब हैं आपको आप देख रहे हैं कितने हेल्दी, कितने खूबसूरत गुलाब हैं हमारे पास, बड़े बड़े से फ्लावर भी आए हैं। तो अब परमानेंट हमारे उस पर धूप में रखे रहते। तो सबसे पहले अगर जो आप हमको हम आपको चीज़ ये दिखाते हैं, ये हमारी खाद है, जो हमारी गोबर की सड़ी खाद होती है, मिट्टी मिली हुई हमारे पास परमानेंट रखी रहती है। जब हमें हमको गमले में डालने की ज़रूरत होती है, तब मैं गमले में डालती रहती, और ये सूखी पत्तियाँ हैं, और ये पत्तियाँ जो सूखी पत्तियाँ जो डिलीट होकर खाद बन जाती है, वो मैंने अभी सुखाई नहीं, सुखा के हमको पिसवानी है, लेकिन मैं ऐसे ही अपने पौधों में डालती रहती हूँ। उसके बाद ये हमारा बायोएंजाइम है, जो फ्लावर्स का मैंने बनाया था, आपको बताया भी था कि फ्लावर्स का बायोएंजाइम 3 महीने के अंदर बनता है। तो हमारे वीडियोस पढ़े हैं कैसा प्रोसीजर होता है, किस तरीके से बायोएंजाइम बनता है। तो आप देखिए हमारे फ्लावर का बायोएंजाइम है, बिल्कुल रेड कलर का है, और शरबत है। तो ये हमारे पौधों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है गर्मियों के लिए। और तो अब हम ये मात्रा भी मैंने रख रखी है कि कितने मात्रा में हमको पानी में मिला के डालना है। तो सबसे पहले आप अपने पौधे में जो मल्चिंग करें, मल्चिंग करना मतलब आप अपने पौधों में लेयर वाइज इसमें खाद दें। तो मैं आपको दिखाती हूँ, सबसे पहले आपने गुड़ाई करने के बाद में थोड़ी सी मिट्टी निकाल लेनी है, और जड़ें थोड़ी बहुत कट भी जाती हैं, इसका कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं, हल्की फुल्की जड़ नहीं कटनी चाहिए, और 4-5 इंच तक आप इसमें से अपने गमले से मिट्टी निकाल लें। हालांकि हमारा ये गमला परफेक्ट किया हुआ है, लेकिन मैं आपको वीडियो दिखाने की वजह से मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि किस तरीके से आपने पौधे गुलाब के पौधे के लिए, ख़ासतौर से गुड़हल के पौधे के लिए, जो हमारे फ्लावरिंग पे हैं आजकल होते हैं, और गर्मियों में गुलाब तो बहुत ही सभी के जलने लगते हैं, तो मैं उसी की वजह से वीडियो बना रही हूँ। तो आप देखिए जड़ें आपको दिख रही हैं, जड़ें कटनी बिल्कुल नहीं चाहिए, और आप इसमें से इतनी मिट्टी निकाल लें। मिट्टी निकालने के बाद में आप
मैं अपने पौधों के साथ जो करती हूँ मैं आपको बता रही हूँ, जो क्योंकि मैं अपने पौधों के साथ जो करती हूँ जो हमारा सक्सेसफुल हो जाता है तब हम अपना वीडियो ज़रूर दिखाते हैं उसका। आप ये देख रहे हो कितना खूबसूरत सी, ऐसी कोई ब्रांच नहीं जिसमें बर्ड ना लगी हो, और कितना हेल्दी हमारा ये रोज़ प्लांट है। तो इसके बाद मैंने इतनी ये मिट्टी निकाल ली। अब मैं चाहें आपके पास अगर जो ये डेलूट की हुई लीफ नहीं है तो आप सूखी पत्तियाँ जैसे आपके लॉन में आ जाती हैं कहीं से भी आप इकट्ठा कर लें, और इकट्ठा करने के बाद में आप डाल दें। तो सबसे पहले आप ये जो हमारी खाद है गोबर की, अगर वर्मी कंपोस्ट आपके पास है तो वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। मेरे पास अभी बन रही है, तैयार नहीं हुई है, तो मैं ये गोबर की सड़ी खाद में मिट्टी मिली हुई मैं इसमें पहले डाल देती हूँ। ऐसे इस तरीके से आप 2-3 मुट्ठी आप इसमें डाल दीजिए, और साथ में इस तरीके से आपने जैसे मिट्टी इसमें, क्योंकि हमारा पानी डालते डालते गमले में जो खाद होती है वो नीचे चली जाती है बहुत 1-2 महीने के अंदर, तो हमारे गमले में जो न्यूट्रिशंस होते हैं, जो हमारे प्रोटीन होती है, कैल्शियम होती है, सब चीज़ें पेड़ों को चाहिए होती है, ये बचती नहीं है, और खाली मिट्टी और हल्के से बचती है, तो उसी वजह से हमारे पौधे में जो पत्तियाँ होती हैं वो सूखने लगती हैं, और हमारे पौधों में फ्लावरिंग छोटी हो जाती है और हमारी पत्तियाँ जलने लगती है। तो इनको मॉइस्चर चाहिए, ये हमारी खाद है और मिट्टी। और फिर हमें हमारे पास तो ये लीफ मोड जो की खाद तैयार है, आप देखिए ब्राउन बिल्कुल हो गई, तो इसको मैं ऊपर ऐसे इसके ऊपर ये इसलिए डालूंगी क्योंकि ये हमारा मॉइस्चर बनाए रखेंगी प्लांट में, धूप में रहता है प्लांट तो हमारे धूप में मॉइस्चर बनाए रखेंगी। और अगर जो पानी आपके दोनों टाइम आप पानी दीजिए, अगर जो 2 टाइम पानी नहीं तो 1 टाइम ज़रूर, मैं तो अपने पौधों में केवल 1 टाइम पानी देती हूँ, और क्योंकि मैं इतना इसमें लीफ मोड वगैरह बर्मी कंपोस्ट वगैरह जब डाल देती हूँ तो मॉइस्चर रहता है। अगर जो आपके यहाँ लीफ मोड नहीं तो आपके पास जो नारियल होता है, नारियल के जो ऊपर से जो आप निकालते हैं वो रेसे होते हैं वो भी डाल सकती हैं, और लीफ भी डाल सकती हैं। और इस तरीके से आप, अब मैं आपको बता रही हूँ ये जो पानी जो थोड़ा सा कितना 5-7-10 ml होगा, ये हमने 2 लीटर पानी में बायोएंजाइम मिला लिया है, और इस तरीके से घोलने के बाद में इस तरीके से इसे घोल लिया, और घोलने के बाद में मैं इसी में इसे पानी डाल दूँगी इस तरीके से पानी डाल देंगे। और जो हमारी जो पत्तियां हैं हर समय नमी बनाए रहती हैं, और हमारे जो गमले में हर समय नमी जब रहती है तो हमारी पत्तियां बढ़ नहीं होती, और इसमें सड़ी खाद पड़ी है गोबर की और पत्तियों की, जो ये हमारी ये भी बहुत स्पेशल खाद होती है जो लीफ की खाद होती है, हमारे पौधों को न्यूट्रिशंस पहुँचाती रहती है, और पत्तियों को हमारे ग्रोथिंग की पावर जो ग्रोथ होती है बहुत बढ़िया करती रहती पौधों के लिए, और फ्लावरिंग बहुत बढ़िया करती है, और हमारी जो पत्तियां हैं बिल्कुल बर्न नहीं होने देती है, और धूप में परमानेंट आप प्लांट रखिए। आपका एक और बात होती है, जब कोई पौधा आपका धूप में एडजस्ट कर चुका होता है तो उसकी कोई परेशानी इसमें नहीं होती। अगर जो आपके पास छाया में अगर जो पौधे रखे हैं तो उनको आप एक धूप में निकालेंगे तो वो अपने आप बर्न हो जाएंगे, क्योंकि वो जो पौधे बाहर के होते हैं वो उनका एटमॉस्फेयर, उनका जो प्लांट है वो बिल्कुल मजबूत हो जाता है, उसको धूप और छाया और कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और जो हमारे छाया वाले प्लांट होते हैं उनको धूप बहुत परेशान करती है। इसी वजह से हमारे छाया वाले प्लांट अगर जो आप धूप में निकालें तो शाम के समय निकालें और रात भर में एटमॉस्फेयर वो कर लेंगे, और उनको बहुत ज़्यादा धूप नहीं लगनी चाहिए, और जो परमानेंट वाले धूप वाले प्लांट आपके रखे रहते हैं तो उनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। इस तरीके से अपने सारे पौधों में ये मैं कर चुकी हूँ, और मैंने आपको इसलिए करके दिखाया कि आपके पास अगर जो कोई भी ये लीफ ना हो तो आप इसको जो नारियल का जो बुरादा होता है नारियल का ऊपर का वो भी डाल सकती हैं, और गोबर की सड़ी खाद ज़रूर डालें 1 महीने के अंदर 15 दिन के अंदर आपने थोड़ी सी मिट्टी निकालने के बाद में फिर से डालें तो आपका पौधा जो होता है बहुत ही हेल्दी रहता है। ये इसी तरीके से मैं अपने गार्डन में काम करती रहती हूँ पौधे के लिए, और बहुत खूबसूरत सी हमारी फ्लावरिंग होती है, और बहुत ही हेल्दी हमारे रोज़ के फ्लावर होते हैं तो आप देखिए, और आशा है मेरा आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर जो पसंद आया तो इसी तरीके से अपने पौधे की केयर करिए, और थैंक यू।